सिर्फ एक तत्वज्ञानी योगी ही ऐसा जान सकता है कि जब वो गर्भ में आया, गर्भ से जब बाहर आया, जन्म लिया, उसे ही ये सारी चीज़ दिखाई दे सकती है। ये ऐसा प्रकृति का नियम है, प्रकृति मजबूर होकर के दिखाती है। तो कहने का मतलब, मुझे अच्छी तरह से अनुभूति है कि मैंने क्या भोगा। अन्य सभी सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या भोगा, और इसी कारण से वो इस संसार में लिप्त हैं। अगर उसका भान हो जाए जो गर्भ में होगा, तो फिर बुरे काम नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में जो कष्ट की बात करता है, सूक्ष्म शरीर भोगता है। जीव, जिसे कहते जीव, जो चित्त को देखकर सुख और दुख की अनुभूति करता है। अब उदाहरण, फिर थोड़ा उत्तर लंबा हो जाएगा। जब गर्भ में वो सूक्ष्म शरीर कष्ट भोग रहा होता है, तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताया कि अहंकार ही दो भागों में बट करके अपना स्वरूप फैलाव किया हुआ, संसार बना, शरीर बना, वगैरह वगैरह, तो जो कष्ट भोग रहा होता है उसके संस्कार या वो हलचल चित्त में होते हैं। तो जीव दूर से देखता है कि चित्त में ये हलचल है, तो वो दुख की अनुभूति करने लगता है। मान लो किसी जीव का शरीर सुअर का बन गया, और सभी जानते हैं सुअर क्या खाते हैं, तो उसका चित्त में वैसी ही चीज़ दिखने लगती है, वैसे संस्कार बनते हैं, तो स्वयं जीव दुखी होता है कि वो क्या खा रहा है, क्योंकि चित्त से और जीव का आसक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आत्मा किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगती, ना होती है, वो एकदम से निर्लेप है। कुल मिलाकर आत्मा को कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है जीव को होता है। कष्ट यहाँ पर सूक्ष्म शरीर भोगता है वो, और यहाँ पर जो हम अभी आप बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में हलचल होती है, अच्छा बुरा खाना खाते हैं या व्यवहार करते हैं, सूक्ष्म शरीर को होता है। लेकिन इसका जो नहीं कहते कि संस्कार चित्त पर पड़ता है, चित्त पर जो हमारा जीव है दूर से बैठा देख रहा है, वो अनुभूति करता है। हमने आम खाया तो वो सुख की अनुभूति करता, हमने मिर्च खाई तो उसकी वो दुख की अनुभूति करता, हमारी किसी ने स्तुति कर दी हम प्रसन्न हो गए, जीव प्रसन्न, हमें किसी ने गाली दे दी हमें दुख की अनुभूति हुई। मृत्यु के बाद ऊपर जब कष्ट मिलता है ना, थोड़ा बता दो, एक कष्ट जो मैंने आंखों से देखा, वहाँ मानव आकार होता, वो सूक्ष्म शरीर होता जो निकल जाता, स्वीकार कर लो ना स्वीकार करो तो सुन लो, इस शरीर को ऐसे काट दिया जाता, कुछ जगहों पर सभी जगह काट दिया, अलग थर थर, जैसे आप लौकी को काट के टुकड़े अलग कर देते, फिर वो क्योंकि वायु तत्व के द्वारा बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, फिर वो कंपन करता, फिर जुड़ गया, फिर कटा, फिर जुड़ गया, क्रिया ऑटोमेटिक हो। तो कहने का मतलब, ये हमें भोगना पड़ता है, यहाँ से हम मतलब सूक्ष्म शरीर जो निकलता है, मरता है, जो जिसे कहते मर गया, मर क्या गया, इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर भरा हुआ है निकल के बाहर होता है, इसी को मरना कह देते हैं। होता कुछ नहीं, शरीर यहीं पड़ा रहता है, स्थूल शरीर जो ये यंत्र मात्र है वो यहाँ पर पड़ा हुआ निकलता है, वही सूक्ष्म शरीर, हालांकि उसे कष्ट होता है, यहीं भटकता रहता है पृथ्वी परिध में, और वो दुख की अनुभूति करता है अपने स्वजनों को देखकर। जब उचित समय पर, यानी बहुत समय बाद जब ऊपर जाता है, तो कर्मानुसार दंड मिलता है। तो कहने का मतलब, सूक्ष्म शरीर भोगता है, आत्मा कुछ नहीं, आत्मा पर कोई फर्क नहीं। मैंने सब कुछ समझाया आपको, परसों बोला, शायद आप मेरी भाषा जो मैंने बोला नहीं समझ पाए होंगे, भाषा का मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ कष्ट भोगता है, कष्ट क्या, प्रकृति ही अपने आप को बंधन में बांधती है, प्रकृति ही अपने आप को बंधन से मुक्त करती है, आत्मा नित्य है, वो सदैव मुक्त है, आत्मा कुछ नहीं करती, ना जन्मती है ना मरती है, ठीक है। हाँ, एक सामान्य भाषा में हमने एक आदत डाल ली है कि हाँ बड़ी अच्छी आत्मा आई, ये मतलब जैसे बच्चा अच्छा हुआ, यानी अच्छे स्वभाव वाला,
ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा बुरी है। आत्मा ना अच्छी होती ना बुरी है, आत्मा आत्मा है, यानी ब्रह्म है। उसके लिए कुछ भी हम आरोपित नहीं कर सकते अच्छे या बुरे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेम्बर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।